अलवर से बड़ी खबर मिल रही है। भूगोर बाईपास स्थित राव स्वीट होटल पर चली है गोली। होटल पर ताबड़तोड़ और फायरिंग कर भागे हमलावर। लाठी डंडों से युवक और मालिक को पीटा गया है। कार में आए चार लोग फायरिंग कर भागे। अलवर के सदर थाना क्षेत्र का मामला है। फायरिंग कर माला कीड़ा की तरह भागे हैं बदमाश। इस वक्त की बड़ी खबर, एक हमला किया गया है स्वीट होटल पर, गोली चली है। भूगोर बाईपास स्थित राव स्वीट होटल पर फायरिंग की वारदात हुई है। होटल पर ताबड़तोड़ और फायरिंग कर हमलावर भागे हैं। लाठी डंडों से युवक और मालिक को पीटा गया है बेरहमी से। कार में चार लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं, मारपीट करते हैं और भाग जाते हैं। अलवर के सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। फायरिंग कर माला खेड़ा की तरफ बदमाश भागे हैं, ऐसी जानकारी पुलिस को मिली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वारदात के बाद पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही साथ जो बदमाश भागे हैं उनकी धरपकड़ की कोशिश भी की जा रही है। लाठी डंडों से युवक और मालिक को पीटा गया है बेरहमी से। भूगोर बाईपास स्थित राव स्वीट होटल पर गोली चली है। अलवर के सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। फायरिंग कर माला खेड़ा की तरफ बदमाश भागे हैं, जिन्हें पकड़ने की कोशिश पुलिस की टीम कर रही है। फायरिंग का मामला, युवक और मालिक पर वार किया गया, हमला किया गया और उसके बाद फायरिंग वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए ये बदमाश। जानकारी ये मिली है कि मालाखेड़ा की तरफ ये बदमाश भागे हैं। अश्वनी यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। अश्वनी, क्या और जानकारी मिल पा रही है, कुछ कोई बदमाश पकड़ में आया है क्या? देखिए, अभी पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दो आरोपी हैं जिनको नामजद बताया है, मनीष और अरुण, इनका नाम बताया गया है। कह रहे हैं दोसा जिले के लोग रहने वाले हैं। यहाँ होटल मालिक इनकी रंजिश हुई और उसके बाद आज इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। राजेंद्र यादव जो पीड़ित है और उसके एक और युवक है, उनके साथ मारपीट की गई है। मौके से फायरिंग करने के बाद जो खोल है कारतूस के, वो पुलिस की ओर से बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही आरोपियों को अरेस्ट कर लेंगे।